ये हम है, ये गुपचुप पानी है पीछे, और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सो हेलो यूट्यूब, आई एम हेयर विद माई अनदर वीडियो। तो आज का आपने टाइटल देख ही लिया होगा, रॉबर्ट्स केव। तो अभी थोड़ी बहुत पैकिंग हो रही है, तब तक आप बताइए आप कैसे, बढ़िया? मुझे पता आप सब बढ़िया ही होंगे, और बस थोड़ा सा काम रह गया और ऑल सेट। और ये टॉवल, गोल्स संतरे और टिप्पन, वापस आता बॉटल चाहिए। और अपने टिप्पन को मैं जो है अच्छे से पन्नी में पैक करके हवा निकाल के सब बैग रखूँगा। तो वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी लंबी, पर कोई नहीं, आराम से आइए। कोई नहीं, तो भैया सॉरी इसके लिए, आपको ये सुबह सुबह इसकी शक्ल देखनी पड़ रही है, पर क्या करें, कचरा बहुत हो गया था और कचरा फेंकना भी था। तो अब ऑनलाइन कर देते, जब तक नहीं है तो Nice. तो भैया गौरव से 200 रुपये लेने के बाद पेट्रोल भरवाने गए, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं होता है, और मेरे पास सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल था। पर्स में घर भूल के आ चुका था और उसके पास सिर्फ 200 रुपये ही थे। Wait a minute. हम पे पैसे भी नहीं है, ना गौरव के पास। तो भैया कहने को तो देहरादून में बहुत सारे एटीएम है, पर चला मुड़ जाओ ऑफिस। अरे यार क्या हो गया, साले तीन देख लिए, तीनों के चारों के चारों के चारों चार एटीएम देख लिए अभी तक। फाइनली एक एटीएम मिला है, चलता हुआ। तो पांच देखे हमने, ये छठा था, पांच बंद और ये छठा चल रहा है। भाई ये 500 मिल गए। चलो चल रख ले अपने खाली पर्स में, रख ले सब फटाफट। पर्स भारी हो गया तेरा। तो भैया मुझे पता नहीं हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो आज का हमारा सफर है रॉबर्ट्स केव। ओ भैया हमारा जरा मास्क निकल चुका है, चालान कट जाएगा भाई तगड़े वाला, उसको लगा लेते हैं अच्छे से, नहीं तो पुलिस वाले चालान तोड़ेंगे अलग और हमको तोड़ेंगे अलग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो है गौरव भाई जो है स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, तो हमको इन पर पूरा विश्वास है, हमको इन पर पूरा विश्वास है कि पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पर हमने इनको वेल ट्रेन किया है, पूरा हमने पूरे 6 महीने दिए हैं। ओ भाई आराम से ले करो, ठीक है, ज़्यादा तेज नहीं, ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं घंटाघर, यहां से हमको जाना है राइट साइड। ओके तो अभी हम हैं यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बहुत दूर है भाई। Life is harder than I like to think. It's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our life tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the
तो भाई हम रोबोट्स कैम्प में आ चुके हैं और हम पे बड़े बड़े टिकट हैं। तो इन टिकट के पीछे का इंसिडेंट काफ़ी अच्छा है। हमें दो बंदे मिले जो अननोन थे बिल्कुल ही, तो उनके पास दो एक्स्ट्रा टिकट थे तो उन्होंने हमको दे दिए। तो उसके बाद क्या हुआ तो भैया एक यादगार मोमेंट बन गया आज रोबर्स कैम्प में आके। तो भाई मिले, तो भाई यहाँ का जो टिकट है वो है 70 रुपये का, एक बंदे का 3500 पड़ता है। तो गौरव मेरा पड़ रहा 70 रुपये का। तो अभी मतलब एकदम से मुझे एक बंदा मिला, उसने बोला कि हमारे पास दो टिकट हैं, आपके टिकट आप अपने पैसे वेस्ट मत करो। चार एक्स्ट्रा करा लिए थे, हमारा मन नहीं कर रहा जाने का, तुम ये लो दिखा देना और अंदर चले जाना। पहले तो यकीन नहीं हुआ मैं काफ़ी देर तो देखता रहा था मैंने। तो बोले तो जब अभी जब अंदर घुस रहे थे तो अभी हमको उसने रोक लिया, जो वहाँ टिकट कटता है ना, टिकट काटता उसने रोक लिया। बोला भैया ऐसा नहीं होता। वो उसने बोला ये टिकट जो तुम्हारे पास है ये सुबह का टिकट है, जो आप टिकट है पिंक वाला, हमारे पास स्काई ब्लू रखे थे। उन्होंने कहा ये टिकट नहीं चलेगा, तुम्हें दोबारा कराना पड़ेगा। टिकट नहीं चलेगा, तुम्हें दोबारा कराना पड़ेगा। तुम्हारा भाई बड़ा देर, मैंने बोला साहब मेरा गाड़ी का पंचर हो गया था, वो दो पहली घूमा है, उनको देर होती वो चलेगा, हमको टिकट देगा हमको, अब मेरा तो पैसा वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि मैंने पंचर में पैसा जो पैसा लगाया अभी अड़े गया। मैंने कहा सर मेरा पैसा नहीं है, हम कितनी दूर से आए, हमको वापस जाना पड़ेगा, ये सब बहाने मारे। अगर वो ना भी करता था तो हम टिकट ले लेते, क्योंकि टिकट तो हमको ऐसे भी लेना ही था। तो फिर ये सर, तो उसके बाद उसने थोड़ा वार्निंग दिया कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा अगली बार कि तुम्हारा दोस्त टिकट कटा के चला गया और तुम आ रहे हो बाद में, तो साथ में कटाना और साथ में घूम के आना है ना। तो फुल फन अभी जा रहे रोबोट्स के, भले ही समझाने में थोड़ा लंबा हो गया होगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दो लड़के मिले, टिकट दिया, टिकट लेने वाले ने मना कर दिया, हमने थोड़ी बहस मारी और वो मान गया और हम अंदर घुस गए और हमारे 70 रुपये बच गए। अब वो पैसे स्पेंड करें 9 रुपये। तो आज का पूरा दिन काफ़ी औसम गया, कुल मिला के 70 रुपये हमने बचाए और 30 रुपये खर्चा हुआ लॉकर में आया, बोलो तो 50 रुपये की सेविंग। तो रॉबर्ट्स केव के मेन एंट्रेंस में हम पहुंच चुके हैं, तो फटाफट से अब अपना मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। साले रे कैसे पानी नीचे आ रहा होगा, लग रही हो यहाँ पे तो मैं नहीं बोलूँगा। We'll be right back.
चप्पल बहती भी मैं दोस्ती बस भरे नहीं दूंगा दोनों ही बाहर है अरे भाई ये तो ना खत्म हो रहा ना तेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही ना वीडियो खत्म हो रही मैं भी थोड़ा और है वैसे थोड़ा और करते करते तो 2 किलोमीटर अंदर ले आया चप्पल टूट चुकी है तो आगे चप्पल ले गई घर चलो अरे बाप रे आराम से ओ भाई क्या है चल चलते आ गया वापस और कुछ है भी नहीं आगे देख ये हमें ये गुपचुप पानी है पीछे और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है क्या करें बताओ चलो घर पे चले चलो इनकी चप्पल भी टूट चुकी है चप्पल ही कहाँ से कैरी कल्चर हो भैया भाई बिना चप्पल चलना बहुत मुश्किल है पर क्या करें खराब हो चुके चलना ही पड़ेगा भाई बहुत गंदी लगी बहुत गंदी वह जो अरे ये दारू और भांग साथ में पिएगा तो ऐसे होगा यार सो होप यू लाइक माई वीडियो लेट मी नो हाउ मच यू लाइक माई वीडियो इन कमेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में